वीरशैव लिंगायत धर्म के लिए वीरभद्रेश्वर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। वीरशैव लिंगायत संघटना वेदिका के द्वारा सितंबर 14 तारीख को वीरभद्रेश्वर जयंती महोत्सव को आचरण करने का आह्वान किया है और हम भी उसके लिए समर्थन देते हुए सभी लोगों को आह्वान करना चाहते हैं कि सितंबर 14 तारीख को यानी भाद्रपद मास में ही उनका जयंती आता है और वह इस साल 14 तारीख को आ रहा है। सभी लोग वीरभद्रेश्वर का जयंती महोत्सव को अपने अपने शक्ति भक्ति के अनुसार सितंबर 14 तारीख को आचरण करें। वीरभद्रेश्वर बहुत से जगहों में अपने आंशिक रूप से विराजमान है। ब्रह्मापुरी पीठ में क्षेत्रनाथ के रूप में, यड़ूर में क्षेत्र के अधिकति अधिपति के रूप में, श्रीशैल में क्षेत्र पालक के रूप में बैल वीरभद्र स्वामी के नाम से, इस तरह हजारों स्थानों पर वीरभद्रेश्वर का अस्तित्व, वीरभद्रेश्वर की पूजा वगैरह होती है और ऐसे वीरभद्र स्वामी का जयंती सभी लोग भक्तिभाव से आचरण करें और उससे अपने भक्ति को वीरभद्र स्वामी को अर्पण करें, क्योंकि वीरशैव धर्म के जो पांच गोत्र पुरुष हैं उन पांच गोत्र पुरुषों में वीरभद्रेश्वर भी एक है। वीरा, नंदी, भृंगी, ऋषभ, स्कंद, इस तरह के पांच गोत्र पुरुष हैं, उनमें से वीरभद्र स्वामी भी एक होने के कारण सभी वीरशैव वीरभद्र की पूजा उपासना करनी चाहिए और उनके जयंती को सितंबर 14 तारीख को सभी लोग भक्तिभाव से आचरण करना चाहिए।